your character and what's happening. Yeah. नाम तो सुना होगा, कितने लोगों ने सुना है? अब देखकर कौन कौन है? चल रही होगी वो। I hope कि आप सबको मेरा शो पसंद आ रहा होगा। मेरा नहीं, हमारा शो, सब तोनी का शो। और मैं अपने कैरेक्टर के बारे में क्या बताऊँ? अलादी, he is the best, और उसका कैरेक्टर पोर्ट्रे करना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। He is very quirky, very kind, अपनी अम्मी की बहुत रिस्पेक्ट करता है। एंड बहुत ही फ्लेक्सिबल है, एक्रोबैट है, सारी चीजें एकदम एक्शन मस्ती में करता है, कोई भी चीज ज्यादा प्रेशर नहीं होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है, बट स्टिल ही ऑलवेज लाइक हीज अ किड, बट सारी जिम्मेदारियों को समझता है और अपनी अम्मी के लिए वो हर चीज करना चाहता है, उनकी ख्वाहिशें पूरी करना चाहता है। तो अलादीन का कैरेक्टर कुछ ऐसे ही, बट अलादीन इज जस्ट लाइक मी, फन लविंग एंड क्यूट। हेलो, मेरा नाम अवनीत कौर है एंड आई एम प्लेइंग द कैरेक्टर ऑफ शहजादी यास्मीन। वो प्रिंसेस है बगदाद की और वो चाहती है कि फ्यूचर में उनके अब्बा के बाद वो थ्रोन ले और वो रूल करे किंगडम, सुल्ताना बने बगदाद की। और शी जस्ट वांट्स गुड फॉर पीपल और बहुत ही पॉजिटिव है, बहुत ही एम्पावरिंग कैरेक्टर है एंड बहुत फोकस्ड है। शी इज अ वॉरियर प्रिंसेस, सो शी नोज हाउ टू फाइट, स्वॉर्ड फाइटिंग आती है उसे, हॉर्स राइडिंग आती है, सो शी नोज हाउ टू प्रोटेक्ट हर किंगडम एंड मोस्टली शी वॉन्ट्स टू कनेक्ट टू हर पीपल और उनकी प्रॉब्लम्स सॉल्व करना उसका मेन मोटिव। वी कैन स्टार्ट विद द क्यू एंड ए गाइस, हैव एनी क्वेश्चंस? अलादीन की शूटिंग फिल्म सिटी में हुई, वहीं पे हमारा सेट है, तो जितनी भी शूट आप देखते हैं सब फिल्म सिटी में। The question is addressed to Avneet. You said Apne sword fighting and horse riding. Yes. So did you take some lessons and are you really doing the horse riding? Yeah, I was very scared before because I didn't know horse riding, sword fighting. I've never tried before the show. But मुझे सीखने के लिए मिला और हम लोगों ने ट्रेनिंग की है, लाइक मैंने 2 हफ्ते का हॉर्स राइडिंग कोर्स किया है पूरा और आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम गेटिंग टू नो लर्न सो मेनी थिंग्स जस्ट बिकॉज ऑफ द शो। सिद्धार्थ, आपसे पूछना चाहता हूँ, तो ये शो स्टार्ट हुए काफी टाइम कॉमेडी सीरियल लिए, तो दिल्ली में इतने दिन के बाद किस लिए आए? दिल्ली में तो मैं आप लोग के लिए आया, आप सबसे बातें करें, क्योंकि जिस दिन मेरा शो लॉन्च हुआ उस लाइक फर्स्ट एपिसोड के बाद ही शो को इतने अच्छे यू नो कॉम्प्लीमेंट, इतने अच्छे रिव्यू मिले और इतना हिट हो गया ये शो, तो उसके लिए मैं आप सबको थैंक्स कहना चाहूँगा कि आप लोग अपना टाइम निकाल के यहाँ पर आए हमारे लिए। और मैं सब सोनी को थैंक्स कहना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे मुझे हमें इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी कि हम दोनों इस कैरेक्टर के लिए एकदम परफेक्ट थे। सो थैंक यू सो मच सब सोनी एंड थैंक्स एवरी वन, थैंक यू सो मच। सिद्धार्थ, हेलो, सिद्धार्थ आपने बोला कि अलादीन में जो आपका कैरेक्टर है आप रियल लाइफ में भी वैसे ही है, फन लविंग एंड एवरीथिंग, तो हम थोड़ा सा और जानना चाहेंगे कि सिद्धार्थ रियल लाइफ में कैसे है? मैं रियल लाइफ में अपनी तारीफ नहीं करता, बट मैं अपनी अम्मी की बहुत, अपनी मम्मी की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और मैं जो भी काम करता हूँ मुझे लगता है कि मैं जो भी काम करूँ उसके लिए मम्मी को प्राउड फील हो, उसके लिए फैमिली को प्राउड फील हो और मेरी मम्मी खुश रहें, क्योंकि मेरा जो है कि अपनी मम्मी के सारे ड्रीम जितनी भी उनकी ख्वाहिश है वो पूरी करना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे इतना पाला पोषा और इतनी अच्छी यू नो मैनर्स दिखाए, और जैसे कि अलादीन यू नो एक्रोबैटिक्स आपने देखे होंगे, उनके परफॉर्म तो मैं ही करता हूँ, सो आई एम ऑल्सो जिमनास्ट, नेशनल लेवल गोल्ड मेडलिस्ट, तो जितनी भी आप देखते होंगे फ्लिप्स, जंप करना, वो सब कुछ मैं खुद से करता हूँ, मेरा कोई डबल या स्टैंडेबल यूज नहीं होता, तो नॉर्मल जंप से लेके वो बिल्डिंग से कूदना, शॉट यूज करना, ट्विस्टिंग करना, सारी चीजें खुद से करता हूँ, तो इसलिए मुझे लगता है कि अलादीन जो करते हैं वो मैं अपनी रियल लाइफ में भी करता हूँ। मैं भी अपना बेड पे नॉर्मल नहीं जाता, कूद फूद के जाता हूँ और मम्मी से भी मैं एकदम सीरियसली बातें नहीं करता, ऐसे ही मस्ती में फिल्मी बातें करने लगता हूँ और अपने दोस्तों से भी एकदम डायलॉगली बातें करता हूँ और मस्ती करता रहता हूँ और पॉजिटिव। अलादीन बहुत पॉजिटिव है, बहुत फोकस्ड है अपने काम को लेकर, तो मैं भी वैसे ही हूँ, मैं भी अपने काम की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और बहुत ही फोकस रहता हूँ अपने काम। मिस्टर परफेक्टनेस के साथ आपने काम किया है, आमिर सर के साथ काम करना ही मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात थी, मैं बहुत ही छोटा था तो ये सारी समझ नहीं थी मुझे कि कैमरा क्या होता है, रोल, एक्शन,
किसी चीज का मुझे पता ही नहीं था, बट आमिर सर बहुत ही हम्बल है और बहुत ही एक अच्छे टीचर है मैं कह सकता हूँ, क्योंकि वो मेरे साथ आते थे, मुझे नई नई चीजें बताते थे कि एक्टिंग कैसी होती है और हम कैसे करते हैं। बिकॉज मेरे लिए मुझे एक्टिंग में पता नहीं था कि इमोशन क्या होती है, रोना क्या होता है, जेन्युइन जो निकलता है वही, तो उन्होंने मुझे यही बोला कि जो जेन्युइन है, जो नेचुरल है, वही एक्टिंग होती है। तो मुझे लगता है कि वो जो परफेक्शनिस्ट का जो उन्हें टैग मिला गया वो बहुत ही परफेक्टली उन्हें ही दिया गया, बिकॉज वो अपना एक एक शॉट चेक करते हैं कि वो उनकी आईब्रोज कहाँ जा रही है, उनके रिएक्शन क्या जा रहा है, तो वो सारी चीजें मैंने उनसे सीखा और उन्होंने मुझे पर्सनली बताई भी। सो आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला। थैंक यू सिद्धार्थ। यस सर, एक तो हैप्पी बर्थडे एडवांस। थैंक यू सो मच। और बॉलीवुड में जो गाने अब बन रहे हैं, आप उनको उसी में अपने गाते हुए नहीं गाते, ये कौन सा क्या? इस शो की सबसे अच्छी खासियत बात ये है कि इस शो में आपको मॉडर्न चीजें बहुत मिलेगी, ताकि यू नो अलादीन ऑलरेडी आप सबने देखा हुआ है डिज्नी में और बहुत सारे शो में, तो हमने ट्राई किया कि हम थोड़ा जैसे यू नो क्वर्की रखें, फनी रखें, और आज के जो भी न्यूज होते हैं, जो भी चीजें एक्टिविटीज हो रही है उससे रिलेटेड रखें, जैसे डीमोनेटाइजेशन हुआ था, बेटी बचाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सब तो इन सारी चीजों को हमने शो में डालते हैं। और जो गाने हैं वो तो एक फन लविंग अलादीन की स्टाइल है, तकिया कलाम के अपने टैग लाइन के हम कुछ भी डायलॉग बोलते हैं कि तूने तुझे देखा तो ये गाना सर प्यार होता है दीवाना सर चीज है, ये कौन सा गाना है तो नहीं लेकिन बनेगा सर, ये फन मूवमेंट के लिए है जो हमने अपने शो में डाली, थोड़ी नई चीज। तो कुछ जो हमने अलादीन के बारे में जानते हैं तो क्या उसमें कुछ अलग नया भी देखने को मिलेगा या उसी चल रहे? आप सबको अलादीन की अलादीन और यास्मीन के बारे में पता होगा, उनकी रोमांटिक स्टोरी के बारे में पता होगा, ठीक है था, बट अलादीन के पीछे और भी बहुत सारी स्टोरीज हैं, कैसे वो रहते थे, क्या करते थे, उनकी अम्मी को कितना रिस्पेक्ट करते हैं, अपने बगदाद उनकी जो कंट्री है उसके लिए वो क्या करना चाहते थे, और यास्मीन से वो कैसे मिले और वो उनसे इतना क्यों प्यार करते हैं, फिर जिनी से कैसे मिले, जिनी की जो बॉन्डिंग है वो कैसे बनी अलादीन से, तो ये सारी चीजें आपको शो में देखने को मिलेगी और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जैसे कि आपको बोला कि बहुत ही मॉडर्न डायलॉग है, तो बहुत ही मॉडर्न डायलॉग्स के साथ और नए नए एक्शन करते हुए देखने को मिलेंगे आपको ये अलादीन। सो दिस इज अ डिफरेंट थिंग यू नो आई कैन से। हेलो हेलो हाय यस अलादीन स्टोरी टोटल फैंटेसी पे बेस्ड है। जी हाँ करेक्ट जी। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि इस सीरियल में आपके कितना पार्ट वीएफएक्स है? ऑलमोस्ट जिनी के जो टांग है उन्हें काटने पड़ते हैं और टेल बनानी पड़ती है, तो पूरा वीएफएक्स होता है। हमारी जो कारपेट है वो पूरा वीएफएक्स होता है, अदरवाइज जो आप और सब रियल है, हम ट्राई कर रहे हैं कि हम कितना नेचुरल और कितना रियल दिखा सके, तो वीएफएक्स तो होता ही। आज तो बैकग्राउंड में जो आपने सीन क्रिएट किया है, हाँ, बेस्ड ऑन फैंटेसी। जी हाँ, जैसे कि अभी आप मैं स्टार्टिंग में सीन देखूंगे रेगिस्तान के, तो जो पीछे पूरा रेगिस्तान है वो हम गए नहीं थे, दुबई में शूट कर भी नहीं गए थे, वो हमने पुलवामा में शूट किया था, और उसको वीएफएक्स जो टीम है हमारी बहुत अच्छी और बहुत स्ट्रांग है, तो उन्होंने वो पूरा रेगिस्तान बनाया हमारे लिए। और जितने भी आप जिनी की जो एक्शन देखते हैं, उड़ना लंबा होना चिराग बड़ा होना, वो सब वीएफएक्स है। तो फैंटेसी शो है, वीएफएक्स लोग देखते हैं, अच्छा जाना चाहूंगा कौन वीएफएक्स कर रहा है इसमें? वीएफएक्स की पूरी टीम है हमारे सेट पे, लाइक जो मेन बंदे आते हैं जो देखते हैं, मुझे उनका नाम तो पता नहीं, बट पूरी जो वीएफएक्स की टीम है पेनिनसुला पिक्चर्स, उन्हीं के अंडर है पूरी वीएफएक्स की टीम। क्या आप इंटरेक्ट करते हैं उनके साथ? अभी अभी हमारा शो लॉन्च हुआ है, अभी अभी सब इतने बिजी है काम में कि अभी हम इतना मिल नहीं पा रहे, बट जब हमारी टीआरपी आई थी, इतने अच्छे शो की लॉन्चिंग हुई थी, तब हमने पार्टी शुरू करी थी हमारे पेनिनसुला पिक्चर्स सिम्फनी में, तो हम सब मिले थे एडिटिंग टीम से, जितनी भी हमारी वीएफएक्स टीम, जितनी भी हमारी डायरेक्शन डिपार्टमेंट है, सबने एक साथ पार्टी की, एक साथ मस्ती की, तब मैं उनसे मिला था। अरेबियन कल्चर से आप कितना वाकिफ हैं? ज्यादा तो नहीं, क्योंकि जब तक आप उसमें आपको बताया नहीं जाएगा, तो क्या इस पर चर्चा कभी हुई है आपस में वो कैसा होता था उस जमाने में? क्योंकि आज का अरेबियन फैंटेसी नहीं है वो, बता दी बहुत पुरानी कहानी, क्या आप लोग चर्चा करते हैं इस पर? ज्यादा हमने इसके बारे में चर्चा नहीं करी कि अरेबियन कल्चर कैसे होते थे, क्योंकि हमने अपने शो को बहुत ही मॉडर्न और बहुत न्यू रखने की कोशिश करी है, थोड़ा नया दिखाने की कोशिश करी है, क्योंकि अलादीन एक ही कैरेक्टर नहीं है, क्योंकि आपने बहुत सारे कैरेक्टर बहुत सारे शो भी देखे होंगे कि जिसमें वो बहुत अलग अलग चीजें कर रहे हैं,
तो इसी के आपने कभी देखो कहीं रोमांस कर रहे हैं, कभी देख रहे हैं आपको एक्शन कर रहे हैं, और कभी आप उनका कल्चर देख रहे हैं, तो इसमें क्या आपने सब कुछ थोड़ा थोड़ा मिला के एक पूरा प्रॉपर वो हम दिखाए। सो हमारी जो टीम है यही दिखाने की कोशिश करती है, जो डायलॉग्स हैं अलादीन कैसे बात करते हैं, डायलॉग्स में कैसे बहुत शायरी में बात करते हैं, तुझे देखा भी ये सारी शायरी में बात करते हैं कि बनेगा नहीं होगा जरूर, तो बहुत ही मॉडर्न रखने की कोशिश की, बहुत ही न्यू रखने की कोशिश की हमने। Siddharth, you said you're the gold, you know, medalist. Yeah. So, uske bare mein, can we know about it? Where did you win this? I'm a national level gold medalist gymnast. Right. Artistic gymnastics. So, okay. Artistic gymnastics, mujhe pata nahi aap log. We don't know. So, artistic gymnastics jo hoti hai, aap front flip dekhte honge dance mein. So, that is a normal action. Right. But jo hamari artistic gymnastics hoti hai, usme events hote hain proper. और ऑल राउंड चैंपियनशिप होती है, टीम चैंपियनशिप होती है, इवन ओलंपिक में ही गेम्स होते हैं। सो मैं 2008 से 2015 तक गोल्ड मेडलिस्ट रहा हूँ, उसके बाद मैं जब ज्यादा बिजी हो गया तो मैं अपना टाइम नहीं दे पाया उधर, अदरवाइज 2008 से 2015 तक गोल्ड मेडलिस्ट रहा हूँ नेशनल लेवल में, अपने स्टेट के लिए मेडल लाना था और एशियन गेम्स के लिए मेरा सिलेक्शन भी हो गया था, बट ड्यू टू माई अदर वर्क मुझे वो ड्रॉप करना पड़ा। मार्शल आर्ट्स भी आपने, यू हैव टेकन सम ट्रेनिंग? उनके ही थ्रू में हम, मैं खुद से प्रोग्राम करता हूँ कि सर इसमें ऐसे करते हैं, क्योंकि नॉर्मल एक्शन देखो तलवार में ऐसे 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 होता है, बट अलग ही जब हम एक्शन देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये नेचुरल है और बहुत ही जेन्युइन लगेगा, कि वो फ्लिप कर रहा है, बच रहा है, बचने की स्टाइल है, वो कभी इसको मारना नहीं है, कि ऑलवेज ट्राई टू डिफेंड करता है, और वो दूसरों की बचाता है, बट वो लग जाती है वो बात अलग है, वो ऐसा है। और जिमनास्टिक्स में 2014-2015 में कंटिन्यूस मैंने 8 गोल्ड मेडल्स की। अवनी, मेरे आपसे दो क्वेश्चन है हियर। पहला क्वेश्चन तो ये है कि देखने में जो फील आ रहा है तो थोड़ा सा ये भी है कि इसमें एक लव स्टोरी इन्वॉल्व है, पहला क्वेश्चन तो ये, उसके बारे में आपका क्या कहेंगे? और दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि एक्शन की बात करते हैं सिद्धार्थ, तो मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, आप भी थोड़ा सा इन्वॉल्व हो उसमें, तो आपने क्या उसके लिए कोई एक्स्ट्रा ट्रेनिंग ली या आपको पसंद है? फर्स्ट क्वेश्चन क्या था आपका? इसमें थोड़ा सा लव एंगल है। जी जी जी। सो लव स्टोरी तो ऑब्वियसली जैसे आप सब लोग जानते हैं अलादीन और यासमीन, जैस्मिन आई वुड से, बट यहाँ पर हमने थोड़ा ट्विस्ट दिया है कैरेक्टर नेम में, दैट इज यासमीन। तो उसमें तो हमेशा है ही, बट अभी फिलहाल हमारे शो में ऐसा कुछ हम लोगों ने दिखाया नहीं है, हमेशा गुस्सा गुस्सा लड़ाई झगड़ा उससे ही प्यार बनता है ऑब्वियसली, ये सब कुछ जानते हैं, तो बहुत ही इरिटेट करता रहता है अलादीन यास्मीन को हर टाइम, और वो उसको इरिटेट करती रहती है, तो बस इसी नोक झोंक में कहीं ना कहीं उनका आगे देखते हैं कैसे होता है स्टोरी, बट बहुत जल्दी मिल जाता है। यस, वो हम आपको बताना चाहेंगे। एंड सेकंड क्वेश्चन जो आपका था, जी मैंने ये ट्रेनिंग ली है, इसके लिए मैंने हॉर्स राइडिंग सीखी है, मैंने तलवारबाजी सीखी है, और इन सब चीज़ों के लिए हम लोगों ने बहुत टाइम दिया है। आई वुड से इवन वर्किंग ऑन आर कैरेक्टर्स हैज बीन सो डिफिकल्ट, बिकॉज बीइंग अ प्रिंसेस इज नॉट एन ईजी थिंग, आपको बचपन से ही वो वैसे ही पैदा हो गए, सो इवन व्हेन शी वॉक्स व्हेन शी टॉक्स शी हैड दैट पोस्चर, और उसकी आंखों में दिखना चाहिए कि हाँ भाई वो है, लाइक बगदाद की प्रिंसेस है, शी इज समथिंग, सो गेटिंग इनटू दैट, बिकॉज इन माय एक्चुअल रियल लाइफ आई एम नॉट लाइक दैट एट ऑल, आई एम अ वेरी कैजुअल पर्सन, मैं सबसे आराम से बात करती हूँ, हाय ऐसे, बट उसमें एक ऑरा जो आना चाहिए यास्मीन में, वो आने के लिए हम लोगों ने वर्कशॉप्स, हमने बॉडी लैंग्वेज वर्कशॉप्स, पोस्चर के लिए, एक्सप्रेशन के लिए, हर चीज के लिए क्लास लाइक बोल रहे अलादीन, जितने भी हमारे कैरेक्टर है शो में सबने वर्कशॉप लिए, जैसे मैंने कहा कि मैं रियल लाइफ में बहुत मस्ती करता हूँ, बट अलादीन की वॉक, हाउ ही स्टैंड, लाइक अम्मी से कैसे बात करता है, इतना हिलता मिलता है, तो इतना तो मैं रियल लाइफ में नहीं हिलता मिलता, बट और जो एक्सप्रेशन है कॉमेडी एक्सप्रेशन, हम लोग ने शो में एक और चीज रखी, हमने स्लैपस्टिक नहीं रखा कि कॉमेडी सब शो धोनी का शो है तो कॉमेडी जरूरी है, नहीं, हमने इसे बहुत जेन्युइन रखा है, इसमें इमोशंस हैं, रोना है, हंसना है, सब कुछ है, तो हमने अपने शो में स्लैपस्टिक में, क्योंकि कभी जब ये कॉमेडी आती है तो पीपल ट्राई टू डू स्लैपस्टिक कॉमेडी, ज्यादा मूवमेंट करना या फिर ओवर एक्टिंग, सो वो जो हमारे डायरेक्टर है मानसर, वो बहुत ही अच्छे हैं,
मतलब वो अगर बेस्ट शॉट मिलता है तो ही ऑलवेज ट्राई की बेस्टेस्ट शॉट मिले. तो हमने दो हफ्ते उसके लिए वर्कशॉप करी, पूरी टीम ने साथ में मिलकर वर्कशॉप करी, लाइक 5 to 6 एपिसोड हमने पहले रीडिंग करी, उसकी रिहर्सल करते थे रोज, तब जाके सबका जो कैरेक्टर है वो इतना निखर के आया. सिद्धार्थ आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं एडवांस में. थैंक यू सो मच. 13 सितंबर को जन्मदिन आ रहा. तो सवाल मेरा ये है कि आपने जिमनास्टिक मेडल्स जीते, तो क्या आप एक्टिंग को साइड पर रखकर जिमनास्टिक आगे करेंगे क्योंकि विश्व नाम बन रहे हैं? जैसे आप सबको भी नहीं पता कि आर्टिस्टिक जिमनास्टिक्स क्या होती है, बिकॉज जिमनास्टिक इतना हाईलाइट नहीं है हमारा हमारे कंट्री में. बट अगर हम रशिया जापान में जाएं तो वहां पे जिमनास्टिक इज लाइक नंबर वन पे है स्पोर्ट्स. सो मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली है, मुझे ये एक फील्ड मिली है कि मैं इस इंडस्ट्री में काम करते करते अपनी जिमनास्टिक को भी प्रमोट करूं. जैसे कि मार्शल आर्ट, जैकी चैन सर ने मार्शल आर्ट लाया ऑल ओवर द वर्ल्ड. सो मैं भी उसी तरह कोशिश करूंगा कि मैं भी अपनी आर्टिस्टिक जिमनास्टिक्स को अपने काम में इम्प्रोवाइज करके, लाइक अपने एक्टिंग करते करते मैं जिमनास्टिक्स करूंगा. क्योंकि मुझे बहुत लोगों ने बुलाया कि इवन सलमान सर ने मुझे एक बार बोला था कि तुम नॉर्मल खड़े होकर डायलॉग बोला करो, वो ऐसे कूदते फूदते डायलॉग बोला करो, स्प्लिट खोल क्या करो फिर डायलॉग बोला करो. तो वो चीज समझ लगे कि हाँ ऐसा हो सकता है. फिर जब मुझे अलादीन का एक कैरेक्टर पोर्ट्रेट करने को मिला तो मैंने कहा यस, इधर मैं सब कुछ कर सकता हूँ. मैं स्प्लिट खोल के बात कर सकता हूँ, मैं लटक के बात कर सकता हूँ. तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं अपनी इस फील्ड से अपनी जिमनास्टिक को प्रमोट करूँ ऑल ओवर द वर्ल्ड. सवाल आप दोनों से, अवधीर और सिद्धार्थ आप दोनों से. इस शो को शुरू होते होते एक शब्द आ गया, अलास्मी. अलास्मी वो तो हमारे क्या कहना चाहिए, वो तो हमारे इतने प्यारे फैंस जो हैं, जो हमें इतना प्यार देते हैं, हमारी इतनी प्यारी प्यारी एडिट बनाते हैं. कभी अगर हम एपिसोड नहीं देख पाते तो सोशल मीडिया में इतना ज्यादा डाल देते हैं, इतने ज्यादा एडिट्स बना के डालते हैं कि अलास्मी अलास्मी. तो वो तो उनका प्यार है, एक हैशटैग बनाना बहुत जरूरी होता है, हैशटैग अलास्मी. हमने आपको जितने भी कैरेक्टर्स देखे, चाहे अशोक सम्राट हो, वैसे जो हिस्ट्री से बेस्ड है वही उन्हीं कैरेक्टर्स में आपको देखा, तो आप बताइए कुछ बारे में. मेरे लिए डिफिकल्ट हो गया था जब मेरे पास ये ऑफर आया कि मुझे अलादीन का कैरेक्टर पोर्ट्रे करना है. पहले मैंने पूछा कि अलादीन का कैरेक्टर है कैसा, लाइक आप कैसा चाहते हैं. तो उन्होंने मुझे ब्रीफ किया कि वेरी फन लविंग, वेरी वर्किंग स्मार्ट, हंसता खेलता और सीरियस तो बिल्कुल नहीं, एकदम मस्ती में क्यूट क्यूट कॉमेडी और क्यूट लगना चाहिए. तो मुझे लगा कि मैंने तुरंत मम्मी से बोला, मम्मी अशोका किया है मैंने, अशोका मैम एकदम ऐसे और मुझे नई चीज सीखना बहुत पसंद है. तो मैंने मम्मी से बोला मम्मी इसे करना चाहिए. तो पहली वजह तो मेरी ये थी कि ये बहुत नई चीज है तो, और मुझे नई चीज सीखना उसको करना अच्छा लगता है, इसलिए मैंने अलादीन के कैरेक्टर को यस बोला. जो हमारे प्रोड्यूसर थे वो मेरे पास आए थे तो मैंने बोला यस आई डू. और ये करने के बाद मुझे फील हो रहा है कि इस अपॉर्चुनिटी को अगर मैं मिस करता तो आई थिंक मैं लाइफ की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर देता. तो आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने इस अपॉर्चुनिटी को लिया और उसको पोर्ट्रेट कर. थैंक यू वेरी मच. वी विल प्रोसीड विद द परफॉर्मेंस. फोटो कर लीजिए.